तो चलिए दोस्तों, और एक नया वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बट गाइज, आज की जो वीडियो की टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5G स्मार्टफोन के ऊपर। तो गाइज, क्या आप 5G फोन यूज करते हो या 5G स्मार्टफोन लेने के बारे में आप सोच रहे हो? तो अगर सोच रहे हो तो आज की इस वीडियो बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर 5G स्मार्टफोन। आप 5G स्मार्टफोन लेने से पहले ये वीडियो आप अंत तक जरूर वॉच कीजिए। जी हाँ, आज आपको ऐसी कुछ बातें मैं 5G के बारे में मैं बताना चाहता हूँ वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जी हाँ, कोई भी वीडियोस में आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं पर भी आपको ये डिटेल्स नहीं मिलेगा। तो गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिए, और पहली बार अगर चैनल में विजिट करो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल जरूर कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए गाइस, जान लेते हैं क्या बात करनी है 5G के बारे में। आपके स्मार्टफोन जो आप 5G फोन लिया है उसमें आपका कितना बैंड का 5G नेटवर्क कनेक्ट होती है? जी हाँ, वो पहले आपको जान लेनी चाहिए 5G के बारे में, और जो आप 5G फोन इस सेल में आप लेने वाले हो तो उसमें कितना बैंड का 5G कनेक्शन हो सकता है, कितना बैंड का 5G नेटवर्क सपोर्टेड होगा, वो भी आपको देखना चाहिए। तो आप लोग कैजुअली क्या करते हो, नॉर्मली क्या करते हो, आप लोग कोई भी स्मार्टफोन लेना है तो अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे जाते हो, तो वहाँ पर आप देखते हो, आप 5G करके सर्च करते हो, बस जो आपका फ़ोन शो होती है वो 5G होती है, ये सभी को पता है। तो वहाँ पर क्या होती है, जब आप नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी में देखते हो तो वहाँ पर 5G लिखा होता है, 4G सपोर्टेड है, तो सब कुछ आपको डिटेल्स रहता है। लेकिन गाइस, एक्चुअल में उसमें ज़्यादा डिटेल्स में लिखा नहीं रहता है। जी हाँ, वहाँ पर क्या होती है, शॉर्ट में लिखा रहती है जो ये 5G सपोर्टेड है, 5G स्मार्टफोन है। लेकिन गाइज, जो अंदर का जो कहानी है वो आज की इस वीडियो में आपको शेयर करूँगा। एक्चुअल में गाइज क्या होती है, 5G है, बहुत सारे बैंड का 5G आपके फ़ोन में सपोर्ट होना चाहिए, तभी आपका जो 5G है वो अच्छी होगी। जी हाँ, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक फ़ोन का 5G का डिटेल्स आपको दूंगा जो आप मैच कर सकते हो। तो गाइज, मैं यहाँ पर आपको नथिंग फ़ोन 1 का जो 5G निकाला है नथिंग की तरफ से, तो उसी का ही मैं डिटेल्स आपको शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर क्या होती है, आपका 5G डुअल चैनल में वो सपोर्ट है, 5G है जो डुअल चैनल में आती है, एक है NSA और उसके साथ ही आती है SA। तो इसका जो फुल फॉर्म है और इसका क्या काम है वो भी आपको बताऊंगा। तो इस फोन में आपका 5G NR भी है, तो ये भी क्या है वो भी आपको डिटेल्स में बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो उसके पहले जान लेते हैं इस फोन में कितना बैंड का 5G सपोर्टेड है। तो यहाँ पर गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपको 12 बैंड का 5G सपोर्ट है, जैसे कि N1, N3, N5, N7, N8, N20 और N28, N38, N41, N77, N78। तो कितना हो गया, यहाँ पर आपको 12 बैंड का 5G सपोर्टेड है इस फोन में। तो गाइज, इसी बात को मैं आपको दोहराना चाहता हूँ, आप जो स्मार्टफोन लेना चाहते हो 5G स्मार्टफोन, उसमें कितना बैंड का 5G सपोर्टेड है वो आप जरूर देखिए, क्योंकि इसी जगह पे सबसे ज़्यादा फ्रॉड करती है स्मार्टफोन कंपनी। तो इस बात का बहुत ही बारीकी से आप ध्यान रखिए, और ये जो डिटेल्स है गाइस ये आप लोगों को फ्लिपकार्ट वगैरह में नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर कहाँ मिलेगा। ये जो फ़ोन है, आप जो भी फ़ोन लेना चाहते हो उसके आपको ऑफिशियल साइट में आपको जाना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा। लाइक आप अगर सैमसंग का फ़ोन लेना चाहते हो तो आपको सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट है www.samsung.com, वहाँ पर आपको जाना है, वहाँ पर आपको सैमसंग का जो वेबसाइट है वो आपको ओपन हो जाएगा। बाद में क्या करना है, आप जो भी सैमसंग का मॉडल मतलब जो फ़ोन लेना चाहते हो उस फ़ोन को आप सर्च बार में सर्च करो, देन उसका फ़ोन निकालने के बाद आप नीचे जाइए, स्क्रॉल कीजिए, देन लास्ट में जो आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी रहती है तो वो आप वहाँ पर चेक करो जो कितना बैंड का आपका 5G सपोर्टेड है। तो मिनिमम गाइज 10 ब्रांड का तो सपोर्ट होना ही चाहिए 5G, नहीं तो गाइज आप बहुत सारी जगह पे जाते हो तो बहुत सारे कंपनीज का क्या होती है, टावर लगा रहती है, जो 5G नेटवर्क जो लगाती हैं बहुत सारे कंपनी, तो वो अगर आपके फ़ोन में सपोर्टेड नहीं है उस ब्रांड का तो आपके फ़ोन में 5G नहीं चलेगा। जी हाँ,
5G नहीं चलेगा। और 4G के मामले में भी सेम है गाइज, जैसे कि आपको नथिंग फ़ोन के बारे में बताया, तो नथिंग फ़ोन में भी आपको जो 4G जो कनेक्टिविटी होती है वो आपका 21 बैंड का 4G कनेक्ट होती है। तो वो भी आप जरूर से देखिए और बारीकी से देखिए ये डिटेल्स को, क्योंकि इतना सारा डिटेल्स आपको पहले ही बताया फ्लिपकार्ट अमेजन पे कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। तो गाइज केयरफुली देखिए, और जैसे कि आपको बता रहा था जो 5G डुअल मोड और जो NSA और SA है, तो गाइज जो NSA है वो है 5G नॉन स्टैंड एलोन, और SA होती है स्टैंड एलोन। तो नॉन स्टैंड एलोन क्या होती है, जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया में 4G छोड़ के जो आपका 5G नेटवर्क्स होती है उसको, और आपके जो फ़ोन का जो फ्रीक्वेंसी है, बहुत सारी जगह पे आप देखे होंगे जो उसमें नेटवर्क नहीं आती है। तो जो नेटवर्क आती है स्मार्टफोन में, स्मार्टफोन के साथ जो नेटवर्क का कनेक्शन जोड़ती है, वही काम इस 5G NSA की काम होती है, जो आपके फ़ोन से 5G नेटवर्क को जोड़ना। और ऐसे क्या होती है, ऐसे जैसे कि आप बहुत सारे जगह पे आप देखे होंगे जो टावर नहीं मिलता, नेटवर्क नहीं मिलता, तो वहाँ पर जो एक पॉइंट अगर नेटवर्क का रहती है तो उसको पकड़ के रखने के लिए, यानी स्ट्रांग नेटवर्क बनाने के लिए वो SA का यूज़ होती है उस फ़ोन में। तो SA और NSA है भी नहीं, वो भी आप चेक करना आपके स्मार्टफोन में, जो भी आप लेना चाहते हो या जो आप यूज़ करते हो। दूसरी बात जो आती है 5G NR क्या होती है, 5G NR जो है वो एक रेडियो एक्सेस टेक्नोलॉजी है जो 3GPP के माध्यम से बना हुआ है, जो 5G स्मार्टफोन के लिए ही बना हुआ है, वो भी 5G के लिए ही बना हुआ है, जो आपको नेटवर्क, आपका जो नेटवर्क है वो स्ट्रांगली पकड़ के रखे और जल्दी आपका 5G के साथ कनेक्ट हो जाए। तो इसी के लिए NR भी है और NSA और SA भी यूज़ होती है स्मार्टफोन में जो नेटवर्क टेक्नोलॉजीज हैं उसके अंदर यूज़ होती है। तो गाइज इसी बात को आप ध्यान रखिए और ज़रूर से बारीकी से देखिए, और इसी टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, आपका कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए।